एकदम परफेक्ट तरीके से आलू शेक बनाने के लिए हमें यहाँ पे बस दो चीज़ें चाहिए, आलू, एक आलू है, आलू को हमने इस तरीके से कद्दूकस करके रखा हुआ है, और वन बाउल बेसन। कम से कम समय में और परफेक्ट तरीके से आलू शेक बनाने के लिए हमें यहाँ पे आलू और बेसन चाहिए, और बाकी की चीज़ें क्या क्या चाहिए हम आपको आगे बताते रहेंगे, आप वीडियो में ऐसे बने रहें और वीडियो में ऐसे ही जुड़े रहें। और यहाँ पे हमने लिया है एक जार, और जार में हम ऐड करेंगे जो हमने वन बाउल बेसन लिया है, हाफ स्पून अजवाइन, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, नमक हमें यहाँ पे कम ही डालना है क्योंकि हमें बाद में इसमें नमक ऊपर से, आलू, और अब इसे अच्छे से मिक्स करके हमें इसे बनाना है, एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है इसका, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, क्योंकि हम यहाँ पे एक नए तरीके से अलग तरीके से आलू सेब बना रहे हैं, और वो किस तरीके से बना रहे हैं वो आप आगे वीडियो में जरूर देखें, वीडियो में ऐसे ही बने। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, एक ही बार में पानी नहीं डालना है हमें, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, और एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा यहाँ पे घोल बन के तैयार हो गया है। हमने यहाँ पे इसे सिर्फ हाथ से ही घोला है, हमने यहाँ पे हाथ से इसको अच्छे से मिक्स किया है, आप चाहें तो इसे अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे सिर्फ एक आलू को कद्दूकस करके इस तरीके से हम बना रहे हैं, एक आलू से वन पोटैटो, और परफेक्ट तरीके से आलू बना रहे हैं। ये देखिए ये बोतल है, बोतल में इस तरीके से ढक्कन पे हमें छेद करने हैं, और हमें चारों तरफ से इसमें इस तरीके से छोटे छोटे से छेद करने हैं, और आज हम बना रहे हैं बोतल से आलू से। अगर आपके पास में कोई सांचा नहीं है और कोई मशीन नहीं है आलू सेब बनाने के लिए, तो आप इस तरीके से आसानी से बोतल से भी आलू सेब बना सकते हैं। आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम आलू सेब किस तरीके से बनाएं, कैसे बनाएं, घर में किस तरीके से बनाएं, तो घर पर रखी हुई चीज़ों से हम इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये बोतल है, बोतल में इस तरीके से अब हम ये जो हमने यहाँ पर घोल बनाया है इसे इसमें ऐड करेंगे, और हम एकदम परफेक्ट तरीके से बोतल से भी आलू सेब बनाएं। बोतल में ये जो हमने घोल बनाया है, घोल को इस तरीके से इसमें ऐड करना है। ये देखिए आप भी घर पर इस तरीके से बोतल से आलू सेब बनाएं, घर की चीज़ों को यूज करके आप घर पर आलू सेब बना सकते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से, देखिए ये घोल इसमें पूरा हमने भर लिया है यहाँ पे, इसे यहाँ तक भर लेंगे और ढक्कन को बंद करके शुरू करेंगे आलू सेब बनाने से। हमें आलू सेब बनाना है, बोतल को इस तरीके से पकड़ना है और इसे जोर से इस तरीके से दबाना है। जैसे हमें इन्हें हल्के हाथ से उलट पुलट करते रहना है इस तरीके से, और देखिए इस तरीके से हमारे आलू सेब बनके तैयार हो गए। देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से आलू सेब बनके तैयार हो गई हैं। और देखो एकदम परफेक्ट तरीके से हमारे आलू सेब बनके तैयार हो गए। ये देखिए एकदम करारे, ये आवाज़ देखिए एकदम करारे क्रिस्पी आलू सेब बनके तैयार हो गए। और अब हम इनमें मसाला ऐड करेंगे, और मसालों में हमने यहाँ पे लिया है ये हाफ स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ स्पून हल्दी, हाफ स्पून धनिया पाउडर, और हाफ स्पून यहाँ पर गरम मसाला, थोड़ा सा यहाँ पर लिया हमने आमचूर पाउडर, और हाफ स्पून काला नमक, और हाफ स्पून सादा वाला नमक। और पहले हम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद में हम आलू सेब में से ऐड करें। और इस तरीके से हम इस सारे मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस सारे मसालों को, जब पहले हमने आलू सेब के लिए घोल तैयार किया था उस समय भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमने आज यहाँ पे जो घोल बनाते समय थोड़ा सा हल्का सा नमक का यूज़ किया था, और अब हम ऊपर से इसमें मसालों को मिक्स करेंगे। और आप अपने अकॉर्डिंग ही नमक मिर्च यहाँ पे ऐड करें, जितना चटपटा आपको पसंद है उतना ही नमक मिर्च ऐड करिए। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हम इसके ऊपर से आलू सेब के ऊपर से मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग ही यूज़ कीजिए, यहाँ पे आपको जितना चटपटा पसंद है उसी हिसाब से आप इसमें मसालों को ऐड करें। ये जो हमने अच्छे से मसाले मिक्स किए हैं, और अब इन्हें आलू सेब में इस तरीके से मिक्स करें। और अब थोड़ा सा हम ऊपर से ये चाट मसाला है, चाट मसाले को हल्का सा ऊपर से इस तरीके से मिक्स करेंगे, जिससे कि जो हमारे आलू सेब हैं वो खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट। और एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी आलू सेब बनके तैयार हो गई हैं।
आपको हमारी आज की आलू सेब की रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ दयाल जी के ढाबा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और घर आए मेहमानों को आलू सेब बना के खिलाएं और मेहमान भी आपकी खूब तारीफ करेंगे कि आपने घर पर किस तरीके से ये आलू सेब बनाए हैं। ये देखने में तो इतने अच्छे लग रहे हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब। आज की रेसिपी में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ में।